नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं टेबल फैनों का नेक टूट के जा चुका है। इसका देखो, इसकी मुंडी कट हो चुकी है। अब इसको हमें नई मुंडी चेंज करने जा रही है। लोकल फैनों को मुंडी चेंज करने का कैसा तरीका रहता है आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। इसको हमें नेक बोलते हैं, थोड़े लोग मुंडी बोलते हैं। इसके लिए हमें आपको ये मार्केट से नया लेकर आई हैं। ये हमारे को 40 रुपये में होलसेल में इधर मिल जाता है। आपको भी चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आपको कांटेक्ट करके मैं आपको भेजने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें कैसे फ़िट करना चाहिए इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये फ़िट करने के लिए हमारे को ये कैप और ये झालरी पूरा खोल लेना होगा। मैं आपको पूरा ये खोल लेके फ़िट करके बतलाता हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से देखो और पसंद आया तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो ये पूरा मैं आपको खोल के बतलाता हूँ। दोस्तों, अब हमने पूरा फ़ैन ओपन कर लिया है। इसका झालरी ब्लेड पूरा ओपन कर लिया है और हमारा ये नेक है, थोड़े दिन इसको मुंडी भी बोलते हैं। दोस्तों, ये नेक को सभी फैनों को सेम मॉडल का नहीं आता है। ये ओनली तगड़ मॉडल के फैनों को ये टाइप पे आता है। आपका प्लास्टिक का बॉडी है तो वो थोड़ा मॉडल चेंज आता है। आप पुराना सैंपल लेके जाके मार्केट में लेके आना है। फिटिंग करने का तरीका सेम रहता है। ये तगड़ वाला मॉडल का नेक फिट करने का मॉडल सेम तरीका सेम रहता है। ये आपको प्लास्टिक का, उषा का, वी गार्ड का, वो सभी थोड़ा प्लास्टिक में आता है ना, वो थोड़ा फिट करने का चेंज रहता है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बतलाता हूँ इसमें हमें ये कैसा फिट करना चाहिए इस वीडियो में बताने जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको ये पूरा सेट खोल लेना होगा। दोस्तों, खोलने के बाद ये हमारा ऐसा इस डायरेक्शन में रखना चाहिए। दोस्तों, रख के हमें इसको सबसे पहले ये नेट डालना होगा। दोस्तों, डालने के बाद इसका नेट इधर डाल के अच्छे से टाइट कर डालो। दोस्तों, इसको अच्छे से हम टाइट कर डालते हैं। फुल टाइट नहीं मत करो, एक धागा लूज रखो ये, क्यों बोले तो फैन हमारा एक्शन करने के लिए इजी रहेगा और इसको एडजस्टमेंट करने भी अच्छा रहता है। इसके लिए हमारे को थोड़ा एक धागा लूज में रखो, ये टेंट करे तो हमारे को फुल टेंट हो जाता है। दोस्तों, रखे के बाद हमें अब नेक्स्ट टू इसका पूरा सेट खोल लेना होगा। देखो, मैं इसका पट्टी भी बाहर निकाल लेता हूँ। ये बाहर भी निकाल लिया और इधर एक लॉक रखी रहती हैं, तंती के जैसा लॉक। ये तंती को हमें बाहर निकाल लेना होगा। ऐसा बाहर निकाल लो, ये पूरा बाहर आ जाएगा। देखो, ऐसी एक स्प्रिंग रहती है तंती, ये पूरा अब बाहर निकालो। ये भी करना होगा, ये पूरा सेट हमें बाहर निकालना होगा। ये अच्छे से जाम हो चुकी है, थोड़ा ऐसा करके बाहर निकालो, आ जाएगा। देखो, ये पूरा टूट के जा चुका है। अब हमें इसको नया फिट करने के लिए इसकी पुरानी हमें ये पट्टी को काट लेना होगा। पट्टी काट लेना होगा। दोस्तों, काटने के बाद ये पट्टी को हमें पुराने पे रख के फिट करना होगा, नवे पे रख के फिट करना होगा। दोस्तों, देखो, इसको अच्छे से टेंट करो, इसको अच्छे से फिक्स होना चाहिए ये पट्टी। दोस्तों, डालने के बाद अब इसको हमारे दो स्प्रिंग आती हैं, ये स्प्रिंग, इधर एक स्प्रिंग, इधर एक स्प्रिंग रखना होगा। दोस्तों, रखे के बाद इधर एक बॉल्स, इधर एक बॉल्स रखना होगा। दोस्तों, रखे के बाद ये देखो, ये पट्टी का आप जॉइंट करें ना, ये पट्टी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ये रेड साइड के डायरेक्शन में आना चाहिए। दोस्तों, आने के बाद इसको ऐसा फिट कर डालो। फिट करके इसको नीचे वाचर डाल के फिट कर डालो। देखो, इसको ऐसा वाचर डाल के अब पुरानी पट्टी काटे है ना, वो पट्टी को ऐसा फिट कर डालो। देखो दोस्तों, अब मैं इसको पट्टी फिट कर चुका हूँ।
अब मैं इसको ऐसा चौड़ ओपन, ये चाबी को हमें ओपन कर लिए तो ये हमारे को अब बाहर नहीं आएगी मोटर दोस्तों। और हमें इसका रोटेट की पट्टी फिट कर लो, इधर रख के फिट कर लो दोस्तों। देखो ये पट्टी हमारी फिट हो चुकी है, आपको भी फिट करना चाहते हैं तो ऐसा फिट कर डालो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक के नेक का फिट करके बतलाता हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसे इलेक्ट्रिकल वीडियो लाता रहते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।